हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ अखंड ज्योत के बाती की वीडियो शेयर कर रही हूं। अक्सर हम अखंड ज्योत नवरात्र में या फिर दीपावली में जलाते हैं। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि अखंड ज्योत बार बार बुझ जाती है, वो सही तरीके से नहीं जलती है, या फिर दीपक में जलाते हैं तो वो लुढ़क जाती है, जिसकी वजह से वो बुझ जाता है और ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। तो आज मैं आपके साथ अखंड ज्योत की ऐसी बाती बनाकर खाऊंगी जिसे एक बार जलाने के बाद वो 7-8 दिनों तक जलती ही रहेगी। वो ना तो बुझेगी ना ही इधर उधर लुढ़केगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। तो पहले हम पलावा से बाती को बनाएंगे, तो उसके लिए हम बिंदी का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब भी आप पूजे की चीज़ को बनाएं तो साफ़ सुथरे चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए मैंने बिंदी का नया पत्ता लिया हुआ है। अब हम ले लेंगे कलावा। तो कलावा हमें सूती ही लेना है। अगर आपके पास इस तरह का रील वाला सूती कलावा है तो आप उसी का प्रयोग करिएगा। बस ध्यान ये रखिएगा कि कलावा सूती ही हो। अब हमें कलावा को ले लेना है, तो हमें थोड़ा लंबा ही कलावा ले लेना है, तो हमारी बाती मोटी और अच्छी बनेगी। अगर आप इससे मोटी बाती बनाना चाहते हैं तो आप और लंबा कलावा ले लीजिए। अब मैंने इसे 4 से 8 फोल्ड में कर लिया है। देखिए, पहले मैंने इसे 4 फोल्ड में किया है, अब मैंने इसे 8 फोल्ड में कर दिया है। तो ये हमारा 8 फोल्ड का कलावा तैयार हो गया है। अब इसे मैं थाली में रखूंगी। इसे मैं नीचे या इधर उधर नहीं रखूंगी, क्योंकि ये मैं पूजा के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए हमें इसे साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अब मैंने ले लिया है बिंदी। तो इसके लिए मैंने नई बिंदी के पत्ते का प्रयोग किया है। बिंदी काफ़ी स्टिकी होता है, इसलिए मैंने बाती बनाने के लिए बिंदी का प्रयोग किया है। तो थाली पर हम धागे के एक छोर को रखने के बाद उसके ऊपर हम बिंदी को लगा देंगे। इससे कलावा उधर ही चिपका रहेगा। अगर आपके घर में कोई नहीं है, आप अकेले ही बाती को बना रहे हैं, तो आप इस टिप को फॉलो करके आसानी से बाती को बना सकते हैं। अब हमें दूसरे छोर से बाती को हथेली पर रखकर घुमाना है। बाती को हमें एक साइड ही घुमाना है, दोनों तरफ से नहीं घुमाना है, और इसे काफ़ी टाइट होने तक घुमाते जाना है। जब हम इसे घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ ऐठन आएगी, तो इसे नीचे की तरफ बराबर करते हुए घुमाते जाइए। देखिए ये कितना ज़्यादा घूम गया है और बाती भी छोटी हो गई है। तो इस तरह घुमाते हुए काफ़ी टाइट हमें इसे कर लेना है। देखिए ये कितना टाइट हो गया है, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह हो गया है। अब हम इसमें से बिंदी को निकाल देंगे और दूसरे छोर को हम उसमें से निकालने के बाद पहले छोर में इसे हम मिला लेंगे। अगर आपके घर कोई भी नहीं है तब भी आप आसानी से इस बाती को बना सकते हैं। देखिए दोनों छोर को हमने मिला दिया है, ये बिल्कुल स्प्रिंग की तरह हो गया है। अब दोनों छोर को हम फिर से मिला लेंगे और बाती को घुमा देंगे। देखिए ये कितना टाइट हो गया है, ये अपने आप ही घूमता चला जा रहा है। मगर इस बाती को बनाने के लिए आपको इसे बेहद ही ध्यान से देखना पड़ेगा। आप इसे बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखेंगे तो आपको बाती बनाने का सही तरीका पता चल जाएगा। अब बाती के एक छोर पे हम उंगली से नापते हुए लगभग 1 इंच तक छोड़ देंगे। उसके बाद हम ऊपर से बीच से हम इसे खोलेंगे। देखिए इसे आपको ध्यान से देखना है, इसे आप स्किप मत करिएगा। बीच से इसे हमें खोलना है और ध्यान दीजिएगा कि नीचे से हमें उंगली के नाप से 1 इंच छोड़ देना है। दोनों छोर को हमें निकालकर अलग अलग करना है। जब आप इसे अलग अलग करेंगे तो उसमें फिर से ऐठन आ जाएगी, क्योंकि हमने बाती काफ़ी टाइट बांधी हुई है। तो देखिए एक छोर से ये ऐठन आ गई है। इसी तरह से हम दूसरी छोर में भी इसी तरह से ऐठन लगा देंगे। देखिए ये हमारी बाती बैठी हुई बनकर तैयार हो गई है। तो दोनों छोर से आप इसे घुमा दीजिए, और नीचे का तो हमने छोर छोड़ा ही हुआ था। तो इस तरह से घुमाते हुए 3 पैर इसकी आप तैयार कर लीजिए। देखिए ये हमारा तैयार हो गया है, और ऊपर जलाने के लिए अखंड ज्योत की बाती अलग से तैयार हो गई है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसे बनाना बेहद ही आसान है, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारी बैठी हुई बाती बिल्कुल तैयार हो गई है। अब आप बाती को आसानी से 8 से 9 दिनों तक जला सकते हैं। देखिए कितनी झटपट से ये अखंड ज्योत की बाती बनकर तैयार हो गई है, जिसे अक्सर मंदिरों में जलाया जाता है। और ये इस तरह से बैठी हुई रहने की वजह से ये न तो लुढ़कती है न ही गिरती है। और इसमें तेल डालते रहिए और ये 8 से 9 दिनों तक इसी तरह जलती रहेगी। अब मैं आपको रुई से अखंड ज्योत बनाना दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने कुछ सिक्के लिए हुए हैं,
मगर सिक्कों को आपको अच्छी तरह से धुल कर लेना है क्योंकि हमें इस बाती को पूजा में इस्तेमाल करना है। अब हम ले लेंगे थोड़ा सा कॉटन। तो हमें अखंड ज्योत की बाती बनानी है इसलिए ये बाती हमारी बड़ी होगी, तो हम इसके लिए सिक्के लेंगे। तो आप चाहे तो 10 के 5 के जितनी भी बड़ी आपको बाती बनानी हो उतने बड़े सिक्के ले सकते हैं। तो मैंने 5 रुपये का सिक्का लिया हुआ है। अब हम रुई ले लेंगे और इसे बराबर कर देंगे। इसे हम धीरे धीरे फैलाएंगे जिससे ये फटने ना पाए। इसे आपको ध्यान से फैलाना है और धीरे धीरे जिससे ये ना फटे। अब इसके बीचों बीच में हम सिक्के को रख देंगे। सिक्के को रखने के बाद चारों तरफ से आप बाती को उठा लीजिए और उसके बाद आप इसे घुमा लीजिए। देखिए इस तरह से आपको बाती को उठाना है और फिर हाथों से इसे उठाकर मोड़ना है। देखिए इस तरह से मोड़िए। उसके बाद आप इसे थाली में रखकर हथेली की मदद से इसे अच्छी तरह से घुमा दीजिए। देखिए ये बाती हमारी बनकर तैयार हो गई है। अगर आप हथेली से कर रहे हैं और आपसे नहीं हो रहा है तो आप इसमें थोड़ी सी देसी घी या फिर दूध लगाकर भी कर सकते हैं। इससे भी ये आसानी से और अच्छी तरह से हो जाता है। देखिए दोनों हथेलियों से रब करने से ये बाती हमारी बनकर तैयार हो गई है और नीचे सिक्का होने की वजह से ये इधर उधर नहीं लुढ़केगा। ये दीपक में बिल्कुल नीचे जाकर बैठ जाएगा और आपकी बाती इधर उधर ना लुढ़क के आसानी से जलती रहे। तो हमारी दोनों बातियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे कलावर की बाती का या फिर रुई के बाती का। रुई में सिक्का होने की वजह से ये एक ही जगह पर जाकर स्थिर हो जाएगा और इधर उधर नहीं लुढ़केगा। और कलावा इतना ज़्यादा हमने ऐठा हुआ है कि वो भी बिल्कुल खड़ा ही रहेगा, इधर उधर नहीं लुढ़केगा। अब मैं बाती को आपको जलाकर दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी तरह से ये बाती जलती है। अगर आपके पास स्टैंड वाला ज्योत नहीं है और आपको अखंड ज्योत के दीपक में दीपक जलाना है तो आप इस बाती का प्रयोग कर सकते हैं। इस समय मेरे पास अखंड ज्योत का दीपक नहीं था तो मैं इसे आपको बाउल में करके दिखा रही हूँ। देखिए ये बाती बाउल में कितनी अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब इसमें हमें तेल डाल देना है, तो मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। आप अखंड ज्योत के लिए जब तेल डालिए तो इसे पूरा भरे रखिए। जब तक आपको दीपक जलाना है तब तक आप इसमें तेल भरे रहिए जिससे आपकी बाती लगातार जलती रहेगी। तो देखिए ये अखंड ज्योत की बाती कितनी अच्छी तरह से जल रही है। तो अगर आप दीपावली में अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आप बाती को बनाकर पहले से ही तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि दीपावली में हमारे पास इतने ढेर सारे काम होते हैं कि हम ये छोटे छोटे काम करना भूल जाते हैं। तो आप पहले से ही सारी तैयारियां करके रख लीजिए। देखिए ये अखंड ज्योत कितनी अच्छी तरह से जल रही है और देखने में भी ये कितना अच्छा लग रहा है। तो कैसी लगी आपको अखंड ज्योत की ये मेरी छोटी सी वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर में इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।